नमस्कार किसान भाई, आपका खेती किसानी चैनल में स्वागत है। मैं इंद्रजीत कुशवाहा आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं खेत में बीम्स कैसे लगाएं। चलिए दोस्त, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैंने इस खेत को जुताई करा लिया हूं ट्रैक्टर के माध्यम से, और जुताई कराने से पहले इसमें गोबर का कंपोस्ट खाद और DAP खाद को इसमें छींटा, और उसके बाद जुताई कराकर पट्टा चलाकर बराबर कर लिया हूं। देखिए, अब मेरे को इसी में लगाना है बीम्स, और इसको बराही बना लिया हूं। चलिए दोस्त, मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मैंने ये बीम्स का ये बीज है, मैं आपको दिखा दूं, और ये अच्छे क्वालिटी का है। और इसको 1 स्क्वायर फीट पे खेत में लाइन बनाएंगे और लाइनिंग पे ही लगाना है। हम इसमें देखिए 1 स्क्वायर फीट पे लाइनिंग बनाएंगे। देखिए, जैसे कि मैं बताया, रस्सी या पैर के माध्यम से लाइनिंग बना लीजिए, और इसी में मेरे को लगाना है। देखिए दोस्त, इस खुरपी के माध्यम से हम बीम्स को लगाएंगे। देखिए, जैसे कि मैं बताया, ये बीम्स का बीज ले लिया, अब इसको लगाना है। देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, और दो बीज एक साथ लगाना है इसको। देखिए, जैसे कि मैं बताया, ये लाइनिंग बना लिया हूँ और इसी पे लगाना है। देखिए, खुरपी के माध्यम से खुदाई करेंगे और दो बीज एक साथ लगाएंगे, और इसको मिट्टी दबा देंगे। फिर 1 स्क्वायर फीट पे यहाँ पे दूसरे लाइनिंग पे दो बीज लेंगे और इस पे दबा देंगे। देखिए, इसी तरीके से आप भी लगाएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके यहाँ पहुंच जाए। देखिए दोस्त, जैसे कि मैं बताया, 1 स्क्वायर फीट पे आपको लगाना है, और दो दो बीज एक साथ, और मिट्टी को अच्छे तरीके से दबा देना है। ये देखिए, ये मिट्टी नमी युक्त है, ये 1 हफ्ते में अंकुरित हो जाएगा, और ये हाइब्रिड बीम्स है। ये बरबट्टी जैसा होता है, लेकिन उनसे छोटा छोटा। आप मार्केट में बीम्स देखा होगा, और ये बीज मैं दिखा दूं, ये बीम्स का है, और ये काफी अच्छी इसकी खेती होती है, और रेट हमें काफी अच्छा मिलता है। मार्केट में अगर खरीदने जाएंगे तो इनके रेट काफी अच्छे होते हैं, और ये बहुत फलता है। इसको हम 2 सीजन में लगाते हैं बीम्स को, तो आप भी बीम्स का खेती करें। जैसे कि मैं बताया था, 1 स्क्वायर फीट पर इसको लगाना है। देखिए, मैं तीसरे लाइनिंग पे लगा रहा, और ऐसे ही आप भी लगाएं। और ये नमी युक्त खेत है, ये जल्द से 1 हफ्ते में पूरे अच्छे तरीके से अंकुरित हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार।